शुरू। बेटे की आपको बलि नहीं दे सकते, जो बड़े वाले बेटे की जो बहू है, पत्नी है, उसकी बलि देनी पड़ेगी। तो हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और मेरे साथ है मेरा भांजा शिवांश ठाकुर। दोस्तों दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और मैं और शिवांशु जा रहे हैं एक नए सफर पे, नए सुहाने सफर पे। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, हम जा रहे हैं दोस्तों रुक्मणी कुंड को एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंतर्गत एक रुक्मणी कुंड है दोस्तों, जिसकी एक दर्द और एक मतलब रोने वाली कहानी है। वहाँ जाके फिर आप वहाँ की स्टोरी भी सुनाएंगे, पूरा एक्सप्लोर कराएंगे दोस्तों। तो आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और शेयर जरूर करना है। आइए फिर चलते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों हम पेरिस लोकेशन पे पहुंच तो गए हैं, यहाँ मतलब जहाँ मैंने आपको दिखाया सामने बिलासपुर है, पर हम यहाँ लगा है 4 लेन का काम और जो स्टेशन है वो पीछे रह जाता, तो हम गलत वाली साइड आ गए। अब हमें फिर से वो पीछे हटना पड़ेगा, तो चलते हैं। और आप लोग जब भी आते हैं तो आप एक तो गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी लोकल से पूछ सकते हैं, क्योंकि 4 लेन का काम चला तो पता चलता है कि कहाँ जैसे से टर्न होना है, कहाँ जैसे से नहीं। तो शायद एक लिंक रोड बता रहे हैं पीछे से। तो आइए फिर चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों फाइनली हम माता रुक्मणी कुंड के पास पहुंच चुके हैं और ये ग्राम पंचायत जांगला के अंतर्गत आता है ये वाला कुंड। और कुंड अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पानी का एक मतलब स्रोत जैसा दोस्तों, जहां से पानी निकला है। और इसकी काफ़ी पुरानी कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूं। और यहां दोस्तों अभी तो कोई भी नहीं है, मतलब पुल है साथ में और पार्किंग के लिए आपको दी गई है, वो देखो सामने पार्किंग लिखा है। मेरे ख्याल से मेले वगैरह जब होते होंगे तब यहाँ पार्किंग वगैरह के लिए यहाँ खड़ी करते होंगे गाड़ियाँ और दुकानें वगैरह भी लगती होंगी तभी। अभी तो यहाँ कोई नहीं है। तो सबसे पहले लोकेशन तो बड़ी प्यारी है दोस्तों, सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और बीच में है माता रुक्मणी जी का कुंड। यहाँ हमारे साथ आंटी अंकल जी भी हैं और ये आए हैं भोरन से आए हैं। आपका नाम, शुभ नाम क्या है जी? भवानी सिंह ठाकुर। श्री भवानी सिंह ठाकुर जी और आंटी जी, आंटी तुम्हारा नाम क्या? सुशीला कुमारी, श्रीमती सुशीला कुमारी। और सिर्फ हम 4 लोग हैं, मैं, शिवांशु और आंटी और अंकल। जाता है दोस्तों, जिनको नहीं स्टोरी का पता उनको बता दूं कि पुराने टाइम में एक राजा हुआ करते थे और उनके प्रजा जो पानी के बिना परेशान थी, तो वो पंडित के पास गए कि परेशान तो बहुत थे कि राजा जी क्या किया जाए, पानी तो निकल नहीं रहा है। तो पंडित ने बताया कि पानी तो निकल जाएगा पर उसके लिए आपको बड़ा कुछ देना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि उपाय बताओ क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि आपको अपना जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो आपका बड़े वाला बेटा है, उसकी बलि देनी पड़ेगी। तो राजा ने बोला कि बड़े वाले बेटे की बलि तो मैं नहीं दे सकता, मतलब अपना बच्चा कैसे बलि दी जाए इसकी, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो बोला अगर बड़े बेटे की आपको बलि नहीं दे सकते तो छोटी जो बड़े वाले बेटे की जो बहू है, पत्नी है, उसकी बलि देनी पड़ेगी। तब उस मतलब राजा ने अपनी बहू को जो मायके गई हुई थी उसको बुलाया कि आप घर आ जाओ और घर में एक धाम या जग का आयोजन किया गया है। और छल से उसको बुलाया गया, उपचारी आ गई और उसको समझाया, ऐसा बताया उसको कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और तब उसको उसकी बलि देने लग गए दोस्तों। तो वो बड़ी मतलब एक रोने वाली कहानी है, अगर आप YouTube पे काफ़ी जगह सुन सकते हो इसको। तब बेचारी उस माता का नाम, उस देवी का नाम था रुक्मणी, जिसकी वजह से जिन बलि उन्होंने उनकी उनको एक दीवार में चिनवाया गया, वहाँ से पानी निकला, तब प्रजा को पानी मिला, ऐसी ऐसी स्टोरी है। तो उसमें कुछ और भी बताया स्टोरी में, जैसे उनकी चिनाई जो लगे करने, तो उन्होंने बताया कि मेरे पाँव को ना ढकना या मेरी छाती को ना ढकना, मेरे आंखों को ना ढकना, तो ये सब कुछ मेरे बच्चे सुन सकें, देख सकें मुझे। बाकी हम अंकल आंटी से पूछेंगे कि क्या इन्होंने सुन रखा स्टोरी के बारे में। मैं एक रजनीस पंडित है तो उसने सुनवाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक्मणी कहानी। अच्छा अच्छा, तभी हम यहाँ पहुंचे, फिर पाम डग गए तो भी उसने अपनी जैसा बताई, मेरे बच्चे
देख लें मुझे। हाँ जी हाँ जी, नहीं पाँव नहीं ढकना मेरे, और मेरी माँ आएगी ना वो मेरे मतलब हार श्रृंगार करेगी, तो पाँव मेरे नंगे रहने देना। हाँ जी हाँ जी। और मेरा जो छाती है ना उसको नंगी रहना, क्योंकि मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो दूध पी पिएगा। और मेरी आंखें भी नंगी रख लेना, मतलब ना क्योंकि आंखें तो वो मेरी मतलब माँ आएगी तो मेरे काजल लगाएगी ना आंखों में। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। तो ये ऐसे बोलते हैं जी, वो मतलब निर्दयी ससुर था, निर्दयी किसी और की बलि देके प्रजा का वो तो किया। पर एक बात ये भी है जी, अगर किसी का भला नहीं होता तो रुक्मणी माता को कोई मानता भी नहीं, मानता भी नहीं। हाँ जी। और ये पानी भी नहीं आता, पानी भी नहीं आता। हाँ जी हाँ जी। उसने अपना मतलब ये दिया, अपना बलि दे दी, मतलब अपना वो दे दिया मतलब ना जी, तब जैसे हमें ये पानी मिला दोस्तों, ऐसी इसकी स्टोरी है। और उसके बाद उन्होंने श्राप ये भी दिया कि ससुर को जो राजा था उसको बोला कि आप इस कुंड का पानी मत पीना, अगर पियोगे तो आप मतलब बड़ा रोग से ग्रसित हो जाओगे। रजनीश जी, अच्छा अच्छा, वो कथावाचक है। अच्छा अच्छा। तो उसने स्टोरी सुनाई थी, फिर हम गए थे मारकंडे। अच्छा अच्छा, मारकंडे ऋषि से आए, चलो वहां भी चलते हैं। जी जी जी, मारकंडे ऋषि बोलते हैं अगर आपने चार धाम की होती तो वहाँ अगर ना नहाए ना वो करे ना, तो फिर वो चार धाम माना नहीं जाता है मतलब ना। कुछ अपने ये थे अपने नियर बाई की नाव में भी जाए। अच्छा अच्छा, अभी आए चलो हम यहाँ पे आए देखने के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। एक्चुअली यहाँ कोई भी लोकल या कोई भी पुजारी नहीं है जो बता सके कि यहाँ कुछ है, और मंदिर बड़े आगे जाके है। आंटी अंकल जो है वो ऐसे जा रहे थे बिना माथा टेके, और कुंड भी आपको दिखाएंगे, पहले हम मंदिर में दर्शन करते हैं। और बड़ी प्यारी लोकेशन है दोस्तों, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। ये देखो यहाँ महिलाओं के लिए भी स्नान कर रहे हैं और जेंट्स के लिए भी स्नान कर रहे हैं, जैसे यहाँ नहा सकते हैं बाहर, या लेडीजों के लिए बने दोस्तों आप देख सकते हैं। और अगर मंदिर आते हैं आप यहाँ रुक्मणी कुंड आते हैं, तो आप विशेष एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कुंड बना है उसमें ना नहाए, यहाँ मनाई दी गई है और उल्लंघन करने को दंडित भी किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस जगह आते हैं तो आप कुंड में ना स्नान करें, और स्नान भी ना करें, और कुछ गंदे कपड़े या प्लास्टिक की बोतलें ये कुछ भी ना फेंके दोस्तों, क्योंकि काफ़ी पवित्र स्थान है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पानी से जो स्नान करता है उसको चर्म रोग वगैरह उससे भी वो निजात मिलती है। निगम मंदिर जिसमें हम अभी माथा टेकेंगे, ये सब स्नान घर बन रखे हैं। पानी के ढंग से ठंडा पानी ज़्यादा, फर्स्ट क्लास, ठीक है, बढ़िया बढ़िया पानी। अच्छा पंडित जी, ये आहा, हाँ जी, ये रुक्मणी कुंड। और ये माता रुक्मणी के बलिदान से यहाँ पानी आया था, जैसे मैंने आपको यह कथा भी सुनाई दोस्तों जो इसकी स्टोरी है। और देखो कितना सही लग रहा है, देखो जगह जगह से ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल जैसे हैं, और ये पानी कितना बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्रिस्टल क्लियर पानी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे पवित्र स्थान पर ना गंद फेंके, मतलब कोई कपड़े फेंक रहा है, कोई लत्ते फेंक रहा है, प्लास्टिक की बोतलें फेंक रहा है, और कोई नहाते भी उन्हें यहाँ, तो ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि पवित्र स्थान में जब भी आते हैं तो इसकी पवित्रता का जरूर ध्यान रखते हैं। और एक मेरे को बात यहाँ लगी कि जैसे आंटी अंकल यहाँ पहले वापस जा रहे थे, अंकल जी यहाँ ना साइन बोर्ड होने चाहिए साइड ना, साइन बोर्ड, हाँ जी, क्योंकि मंदिर ही साइड है, मंदिर साइड है, तो वहाँ बोर्ड पर साइन बोर्ड होने चाहिए। बाकी आप तो ऐसे जा रहे थे बिना माथा टेक के, हम तो डैम से जा रहे थे अंकल, और वो सोच रहे थे कि ये कुंड है ना जी, हाँ जी, ये जो सामने ना ये कुंड है, और मैंने भी सोचा कि कुंड है, सोच रहा था कोई डायरेक्शन थी तरफ, कोई डर जैसे लगे कहाँ से कहाँ। हाँ जी, और यहाँ डायरेक्शन थोड़ा साइन बोर्ड होना चाहिए कि मंदिर इधर है ना जी, बोर्ड और कुछ दुकान भी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर कोई, हाँ जी, क्योंकि बाहर कोई है ही नहीं बताने वाला कि इधर मंदिर है, इधर वो नहीं है ना जी, कोई नहीं। तो फिर हम जैसे हमें लोकल मिले, तब हम दोबारा हमें पता लगेगा कि इधर मंदिर है, बस उधर से आप पता लगा सकते हैं कि इधर वाली साइड कुछ चीज है कि नहीं है। अभी लगा एक्चुअली स्थिति, हाँ जी, जो अनोन लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। तो आप एक तो डैम बना है, उसके साथ में रास्ता बना अंदर को, फिर कुंड बना दोस्तों। अगर यहाँ कोई भी, आज तो कोई भी नहीं है बाहर, बिल्कुल सुनसान पड़ा है, बिल्कुल सुनसान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और ये तो अभी लोकल आए यहाँ, हाँ जी हाँ जी, जब हम चल पड़े थे रोड, उन्होंने बताया कि इधर मंदिर साइड है, बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है, हमने स्नान किया, जी 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 जी, पहले नहा लो फिर उसके बाद फिर माथा टेकते हैं मंदिर। नमस्ते। तुम्हें पुजारी है? हाँ जी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सत्या देवी, श्रीमती सत्या देवी। अच्छा, अब मेले वगैरह कभी लगाए थे? मेले पे साखी लगाए। अच्छा, कितने दिन का मेला हुआ जी? 3 दिन। अच्छा अच्छा, 3 दिन का मेला हुआ, इस टाइम थी दुकान, दुकान हुई है मेरे ख्याल से।
अच्छा बाकी तू इत रहे 12 महीने इत ड्यूटी तू हरी पुजारी तू आए इतने अच्छा जिन्हें बच्चे होंगे तिना भी आए इतनी अच्छा कुड़िया ब्याह पहले भी नई अच्छा 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 चलो ठीक है तुहने गल करने मुझे खरा लग्या ठीक अपना ध्यान रखियो ना हाँ ठीक ऋषि पंचमी जी का अच्छा तो यहाँ जी हमें पहले भी पूछ रहा ना 365 लोटे पानी के हाँ उससे नहाना होता है हाँ, और हम ये जो द्रव बोलते हैं 365 हमने वो बनानी है अच्छा द्रव है और उसमें चने के दाने चावल के दाने और कुंबू जो हमारा होता है अच्छा तो ये चीजें हैं मतलब और ये पुटकंडा जिसको बोलते हैं तो ये उसकी हम दांतों में लगाते हैं अच्छा और जो हमारी जूड़ी होती है उसको हम सिर जो कर उसके मतलब अच्छा एक अपने मुंह में डाली थी जूड़ी ना और एक वो है पुटकंडे की अच्छा अच्छा दातुन अच्छा पुटकंडे की दातुन मुंह में डाली थी और द्रव रखी थी सिर पे ना और फिर बाकी लोग पानी डाल रहे थे आपको 365 लोटे पानी के फिर एक एक करके सिर पे डालते रहे अच्छा 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 बच्चे अभी बेटे बहु जो भी होते हैं वो मतलब माँ को नहलाते हैं अच्छा अच्छा ऐसी मान्यता है कि मतलब ये जो है बेटा और मतलब बेटे बेटी जो भी है वही इस व्रत को ये करवाते हैं जैसे मैं महिला मेंसी जो आती है कई बार गलती से अपने बच्चों को खाना खिला देती है अच्छा 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 मतलब पाप दोष से बचने के लिए बड़ी गल है अच्छा अच्छा ताकि चिराग के उधार हो जाए अच्छा अच्छा उसका पाप ना लगे ठीक 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 समझ गया मैं पाप दोष को मतलब कोई भी दोष पाप जो हुआ है जो उसका उद्यापन हो गया या उसको दूर करने के लिए तब खाना खा दिया है अच्छा 5 साल व्रत होगा हम उद्यापन करेंगे अच्छा अच्छा मतलब भट्टी करनी है दाम करना है ना अच्छा अच्छा अब आप शाम में जो की तरह बर्त ना तो रात को भूखे होने फिर आप अच्छा फुलहार खाना मतलब अच्छा और आज खोल देंगे व्रत ना बनाने के बाद खोल देंगे हाँ जी हाँ जी अच्छा फिर यही क्यों आए दादी दिन आने पे मतलब यहाँ तीर्थ स्थान पे जाना पड़ेगा कहीं भी जैसे अच्छा 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 ये चीजें बह जानी ठीक है शुभ नाम क्या होता है तुम्हारा श्रीमती उषा शर्मा और भाई रन के हेमंत कुमार शर्मा जी श्री हेमंत कुमार शर्मा ना जी ठीक है जी तुम सभी ने गल करने अच्छा लगा ठीक है जी ना ठीक है अब आपने भी किया करोना व्रत ना जी आप भी सेम यही करोगे चलो नाम लेता जाई जे वेड़ो मारो जितनी भट्टियां हैं ये कर रहे हैं जब नहा धो के पूजा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 365 जितने भी वो दिन होते हैं साल में उतनी ये ज्योति जलाई आपने नहीं जा रहे हैं दोस्तों घर की तरफ और ठीक है जी उन्होंने मिलने अच्छा लगा ठीक है सर ठीक है दीदी जी ध्यान रखना अपना ठीक है दीदी जी ठीक है ओके जी एक हमारे को फैमिली मिली थी इनका नाम हेमंत जी है और बड़े अच्छे लोग हैं दोस्तों मेरे हिमाचल के देखो अगर आप हिमाचल से हो अगर हिमाचली कोई आपको मिलते हैं
तो आप कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, अगर आपको हिमाचली कहीं भी मिल जाता है, ये तो चलो हम खैर हिमाचल में घूम रहे हैं, तो आपको बड़े अच्छी तरीके से बात करते हैं, बताते हैं कि हमारे घर यहाँ है, देखो बता रहे हैं कि हम करशोग में रहते हैं, तो आप जब भी वहाँ आना तो हमारे से मिलना। तो ये है दोस्तों हमारे हिमाचल में कुछ अलग बात है, ये मेरे को सबसे बेस्ट बात लगती है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और आई होप आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ स्टे हेल्थी, जय हिंद जय हिमाचल।